अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर और एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इफ और एंड फार्मूला। सबसे पहले इफ समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल साइन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ये साइन यहाँ पर लिख कर एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट जो होता है ग्रेटर देन कहलाता है। ग्रेटर देन के बाद ये साइन जो आ रहा है ये लेस देन, उसके बाद इक्वल, उसके बाद ग्रेटर इक्वल और लास्ट में आ जाएगा लेस देन इक्वल। सबसे पहला ग्रेटर देन का जो साइन यहाँ दिया हुआ है, आपको शिफ्ट बटन जो होता है हमारे पास कीबोर्ड के अंदर, यहाँ पर देखें ये कीबोर्ड ऑन स्क्रीन शो करके मैं आपको समझा रहा हूँ। शिफ्ट बटन के साथ ये जो साइन दिया हुआ होता है, अगर सिंपल डायरेक्ट इसे यूज़ करते हैं तो कॉमा अप्लाई होता है, और शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करके यूज़ करेंगे तो यहाँ देखें ये राइट साइड पर जो साइन बना हुआ नज़र आ रहा है ये ग्रेटर देन, और शिफ्ट के साथ अगर ये वाला बटन यूज़ करते हैं तो ये लेफ्ट साइड जो साइन बना हुआ दिखा रहा है ये लेस देन कहलाता है, और सिंपल अगर इसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं बगैर शिफ्ट के तो ये कॉमा में यूज़ किया जाता है और ये फुल स्टॉप में यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ ग्रेटर देन फर्स्ट मैंने बताया साइन आपको, इसे अगर हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ज़्यादा या बड़ा, लेस देन करेंगे तो कम, इक्वल करेंगे बराबर, ग्रेटर इक्वल अगर दोनों साइन यूज़ एक साथ करते हैं तो ज़्यादा या बराबर, लेस इक्वल यूज़ करेंगे तो कम या बराबर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं सारे जो इफ़ वर्किंग की जाती है, इफ़ फार्मूले के साथ वर्किंग की जाती है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे अलग अलग सेल में कुछ नंबर एंटर कर रहा हूँ। अब इस कॉलम में जितनी भी वैल्यू हमारे पास है, मुझे यहाँ ये चेक करना है अगर ये वैल्यू ज़्यादा है 50, यानी बड़ी है 50, तो इधर ओके लिखा हुआ आना चाहिए और ना तो नो लिखा हुआ आना चाहिए, या जो भी हम ट्रू और फॉल्स यस या नो भी कर सकते हैं, पेंडिंग नॉट पेंडिंग इस तरह का भी आंसर हम रख सकते हैं, जो भी ट्रू और फॉल्स हमें रखना होता है तो वो हम इसके साथ यूज़ करते हैं। इक्वल, अब इस सेल पर आएंगे, फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहे हैं लॉजिकल, लॉजिकल टेक्स्ट वो सेल होगा जिससे हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू टाइप की हुई है वो सेल सेलेक्ट करा। और एक चीज़ जो न्यू देखने वाले हैं उनको ये मैं बता दूं, बी थ्री क्यों आ रहा है, जब भी किसी भी फार्मूले में एक्सेल के अंदर हम सेल क्लिक करते हैं तो उसका टॉप हेडिंग जो होती है ए बी सी वो कॉलम नंबर और उसकी रॉ जो आ रही होगी वो रॉ नंबर बताता है, तो हमने सेलेक्ट करा इक्वल इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट, यहाँ हमने कहा ग्रेटर देन। अब जो नंबर हमें चेक करना होगा किसके ग्रेटर देन वो हमारी मर्ज़ी है, हम कोई भी नंबर को जो उसको देखना चाह रहे हैं वो नंबर एंटर करेंगे, कीबोर्ड से खुद हम टाइप करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट देखेंगे हमने इसको लॉजिकल दिया, उसके बाद इफ़ जो वर्किंग करता है वो ट्रू और फॉल्स में करता है, कोई भी फार्मूला हम लगा रहे हैं एक स्टेप हमारा हो गया पूरा, अगर हमें सेकंड स्टेप के अंदर जाना है तो कॉमा यूज़ करता है, और सेपरेट सेपरेशन करने के लिए सेकंड स्टेप में जाने के लिए फार्मूले के अंदर कॉमा लगाते हैं। जैसे ही कॉमा लगाएंगे हम, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ट्रू के ट्रू बोल्ड हो जाएगा, अभी जैसे लॉजिकल टेक्स्ट बोल्ड है, ट्रू मतलब इसका आंसर क्या चाह रहे हैं, अगर ऐसा होता है बी थ्री ये सेल जो आपने सेलेक्ट करा है ज़्यादा 50 होता है तो ट्रू, आप क्या आंसर चाहते हैं, जो भी हमें ऑनवर्ड आंसर स्क्रीन पे देखना होता है, जो हम अपना आंसर देखना चाह रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स में लिखते हैं, और जो हम देखना चाह रहे हैं आंसर स्क्रीन के ऊपर हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करते हैं। यानी अब अगर हमने कहा ये सेल ज़्यादा 50 होता है तो पहली चीज़ आप इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा ट्रू ओके देंगे, कॉमा अभी मैंने बताया नेक्स्ट
स्टेप में जाने के लिए कॉमा लगा दें, टू बता दिया, अब हमें फॉल्स में जाना है, जैसे ही कॉमा लगाएंगे देखें फॉल्स बोल्ड हो जाएगा, यानी पहली चीज़ टू देगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फॉल्स बताएं क्या होना चाहिए, हमने कहा नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर, बिल्कुल सही है, ज़्यादा 50 होता तो ये यस देता, अभी इसने नो आंसर दिया। दोबारा इसी सेल पर आएंगे, माउस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर लेकर आए, ड्रैग करते हैं, जहाँ वैल्यू 50 ग्रेटर होगी वहाँ जो टू में आपने आंसर रखा होगा वो आंसर आएगा आपका, और जहाँ ऐसा नहीं होगा वो फॉल्स को आंसर देगा, फॉल्स आंसर लेकर आएगा आपके सामने। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर, अब जो भी सेल हमने फार्मूले में सेलेक्ट किया होता है अगर उसमें चेंजेस करते हैं तो फार्मूला जहाँ लगा हुआ उन सेल में भी चेंजेस होती है, अगर यहाँ मैं 50 टाइप करता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, लाजमी सी बात है फाइन हमने दिया ग्रेटर देन, अगर ज़्यादा 50 होगा तो टू में वो ओके देगा, अभी भी नौ ही आएगा, देखिए मैंने 50 टाइप करके इंटर किया नौ ही आंसर आ रहा है, क्यों, फार्मूले को डबल क्लिक करके एडिट करते हैं, अब यहाँ देखें ज़्यादा 50 का है, अगर हम इसी के साथ इक्वल का साइन भी लगा दें तो मतलब ग्रेटर इक्वल 50, अब वो बराबर है 50 से भी ओके ही देगा जो हमने टू दिया, फिर दोबारा से इसे ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी कंडीशनें हम इफ की बना सकते हैं, लगा सकते हैं, एक्सेल को समझने के लिए आप इतना समझ लें, अगर आप इफ को अच्छी तरह समझ लेते हैं और वर्किंग में ले लेते हैं और यूज़ करना आ जाता है समझ में आपके, कि किस तरह से क्या कंडीशन या क्या क्राइटेरिया के मुताबिक हम इफ को यूज़ कर सकते हैं या लगा सकते हैं, तो 40% एक्सेल आप समझ गए ये आप समझ लें, इसकी प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा करने की कोशिश करें, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से वीडियो बना बना के अपलोड करता रहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एंड फार्मूले को मैं अलग से एक वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पहले इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।